हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज की वीडियो तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है कि जो ट्रक के पीछे यूज डिपर एट नाइट जो लिखा होता है ज़्यादातर, वो क्यों लिखा होता है, उसका असली मतलब क्या है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी पहले एक सर्वे हुआ था कि जो एड्स की बीमारी है, आप सब जैसे जानते होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा देखी गई कि ड्राइवरों के बीच में पाई गई। तो अपने इंडिया में 70-80 लाख ट्रक हैं और हर ट्रक में कम से कम दो आदमी तो होते ही हैं, तो मान लीजिए 1.5 करोड़ जो ड्राइवर हैं वो अपने इंडिया में हैं, और जो 20 लाख कम से कम ट्रक ड्राइवर अपने सेक्स वर्कर से मिलते हैं और प्रोस्टिट्यूट्स या कॉल गर्ल्स जिसे बोल देते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो इन सबसे मिलते हैं, तो वो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कि अनसेफ सेक्स करते हैं, यानी कि कॉन्डम का यूज़ नहीं करते, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते। तो इसी के मतलब ड्राइवरों के बीच में एक कॉन्डम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने के लिए कि एड्स से बचो, जैसे आपने काफ़ी पहले देखा होगा कि दीवारों पर भी ज़्यादातर लिखा रहता था, अब तो फिलहाल कम हो गया है, तो उस टाइम पे ज़्यादा लिखा रहता था, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई गई। तो ट्रक ड्राइवर के बीच में ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? तो ट्रक ड्राइवर क्या है, पहले के टाइम में ज़्यादा टीवी वगैरह और मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे, पहले एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं थे इतने, तो ये कैसे मतलब टीवी में विज्ञापन ना देखे, कैसे ये बात ट्रक ड्राइवर तक पहुँचाई जाए? तो टाटा मोटर्स ने एक इनिशिएटिव लिया। टाटा मोटर्स ने HLL यानी कि हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड या HLL लाइफ केयर कंपनी के साथ मिलके एक कॉन्डम मैन्युफैक्चर किया, जिसका नाम रखा उन्होंने डिपर। डिपर नाम का कॉन्डम उन्होंने मैन्युफैक्चर किया और ड्राइवरों के बीच में इसको बांटा गया। जैसे टाटा के शोरूम वगैरह, सर्विस सेंटर वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह या चाय पान की जो दुकान होती है, खोके वगैरह, उन पे ये दिया गया और ड्राइवर्स को फ्री में बांटने के लिए गया। अब भी शायद वो चलता है, उसकी कीमत शायद 2 रुपये है, मैंने नेट पे देखा था। तो ये इसका असली मकसद था, तो उस कॉन्डम का नाम ही उन्होंने डिपर रखा था। कि कुछ लोग भाई तो ये समझते होंगे कि ये जो डिपर है, पहले ये समझते होंगे इस वीडियो को देखने से पहले कि ये जो यूज डिपर एट नाइट, यू ये रात में पास लेने के लिए लिखा गया है, पे रात में डिपर का प्रयोग करें, हॉर्न का प्रयोग ना करें। तो अगर आप यही समझते थे तो यार एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? तो ये मतलब नहीं था, ये ड्राइवर को बताने के लिए, ड्राइवर से ड्राइवर को मैसेज देने के लिए इसका नाम डिपर रखा गया, यानी कि रात में डिपर का प्रयोग करें और यूज डिपर एट नाइट, इंग्लिश में ऐसे लिखा होता था। तो हर ड्राइवर को भी बताया गया है कि आप अपने ट्रक के पीछे दूसरे ट्रक ड्राइवर के लिए ये यूज डिपर एट नाइट और रात में डिपर का प्रयोग करें, ये चीज़ आप लिखवाएं, और ड्राइवर में इस चीज़ की जागरूकता फैलाई गई ज़्यादा से ज़्यादा। तो तब बाद में देखा गया कि ये जो बीमारी है वो कम होने लगी धीरे धीरे, और ड्राइवरों में इस चीज़ की जागरूकता बढ़ने लगी कि आप जब भी सेक्स करें या यौन संबंध बनाएं किसी के साथ, तो कॉन्डम का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, ये था इसका असली कारण लिखवाने का। बहुत ही अच्छा ये लगा मेरे को जान के, जानकारी यार कि क्या दिमाग लगाया और कितना अच्छे से मतलब उन्होंने ये निकाला कि अगर कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और वो इस चीज़ को पढ़े तो किसी को बुरा ना लगे। अगर जैसे लिखवा देते मान लीजिए कि रात में कॉन्डम का प्रयोग करें, तो कितनी गलत बात होती, यानी कि उन्होंने एक ऐसा मतलब तरीका निकाला जिससे कि लोगों में एक भद्दा मैसेज भी ना जाए। जैसे कोई फैमिली के साथ जाए तो वो पढ़ेगा यूज डिपर एट नाइट, तो वो समझ जाए कि ये वो वाला डिपर है, हाई बीम लो बीम करने वाला, लाइट वाला, और जो अगर ड्राइवर पढ़े तो वो ये समझ जाए ये डिपर जो है वो कॉन्डम डिपर है, उसे वो बात ध्यान आ जाए, तो वो जो है सेफ सेक्स करे और औरों को भी इसके बारे में बताए। तो ये था दोस्तों इसका असली कारण लिखवाने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना किस किस भाई को इस चीज़ के बारे में पता था, अगर जिसको नहीं पता था वो भी कमेंट करके बताना। ये वीडियो के बारे में बनाने के लिए तो मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन
मैं सोच रहा था कि अगर मैं बनाऊंगा तो पता नहीं कैसे कमेंट आएंगे कि कहेंगे कि ये गगन भाई क्या चीज़ बताने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये भी फिर भी बहुत ज़रूरी है ये बताना, तो मैंने हिम्मत करके वीडियो बनाई है आपके लिए। पता नहीं कैसी बनी, आपको समझ में आया है भी या नहीं, तो अगर नहीं भी आया तो बता देना कमेंट में, कमेंट में समझा देंगे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई हो यार, वहाँ पर मैसेज करा करो यार, हर किसी का रिप्लाई करता हूँ भाई, गपशप लड़ाते हैं वहाँ पर, मतलब सही मैसेज करो, कोई बात पूछनी है अच्छा अच्छी बात पूछो, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय। और हाँ दोस्तों, अगर ये किसी को झूठ लगे तो गूगल पे जाके डिपर लिख के सर्च कर ले, या डिपर कॉन्डम लिख के सर्च कर ले, विकीपीडिया पे जाके सारा कुछ पढ़ सकता है, मैंने गलत बताया ऐसे ही बताया।